अस्सलाम वालेकुम। हेलो हाय, मैं असद रंधावा जट। ये देखें, मैं आज आपको दिखाऊंगा मेरे गांव, मेरे प्यारे विलेज में। ये है बेर का बाग। ये देखें, ये बेर के दरख्त लगे हुए हैं। ये बड़े बेर, मोटे बेर होते हैं और इसके अंदर गंदुम लगी हुई है, सरसों लगी हुई है। ये मेरा प्यारा फार्म, रंधावा फार्म हाउस। देखें ये बेर, देखें इसमें गंदुम भी लगी हुई है। ये रंधावा फ्रूट फार्म। ये है बेरों का बाग। रंधावा मैंगो फार्म भी है, रंधावा बेर का फार्म भी है। इसमें हम गंदुम लगा देते हैं। ये गंदुम बिल्कुल तैयार है, अभी पकने पे है। इसकी 15-20 दिन, 25 दिन में कटाई शुरू हो जाएगी। उसमें सरसों भी लगी हुई है, ये पक चुकी है सरसों भी। इसमें ये देखें बेर, ये अच्छा जो है इसका, ये अच्छे बेर हैं। छोटे से जो दरख्त को देखो, छोटे लगे दरख्त, उनको भी बेर लगे हुए हैं। ये छोटे दरख्तों में इन्हें भी माल उठाया हुआ है। ये कीकर का दरख्त, बबूल, बबर जो वर्ण। ये देखें इसकी कटाई की हुई है, इसकी कटाई कर देते हैं हम लोग सर्दियों में अक्सर। तो ये बाहर के मौसम में दोबारा उगना शुरू हो जाते हैं, इसकी कोंबलें निकलना शुरू हो जाती हैं। ये है बबूल, कीकर, ये देखें गंदुम, माशाल्लाह बहुत प्यारी गंदुम। ये है रंधावा बीर फार्म माउस। इसमें खजूर के दरख्त भी लगाए हुए हैं हमने, कि हमारा काम एग्रीकल्चर के साथ है, ज़रात के साथ है, तो इस हवाले से हम हर चीज़ लगाते हैं। ये देखें बेर, ये देखें ये फ्रूट दे रहे हैं अभी। ये सरसों, पीली सरसों। क्योंकि ऐसी पिंडा वाले जाट, ये देखें येलो फ्लावर्स, येलो सरसों। ये है रंधावा फ्रूट फार्म। ये है मेरा पिंड, मेरा गांव, माय विलेज। देखें ये गंदम भी तैयारी पे है। रंधावा फ्रूट फार्म। ये आप देख सकते हैं, ता डिसी सगो था।
तैयार गंदम। इसे वीट की कटाई शुरू हो जाएगी आइंदा चंद दिनों में। ये देसी गंदम ये देखिए, मैं खुद असद ये मैं बेर तोड़ रहा हूँ, पक्के पक्के मीठे मीठे बेर, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, सर्दियाँ ख़त्म होने को है। इसके बेरों के दरख्त काफ़ी बड़े हो चुके हैं। ये मैं खुद असद ये मैं तोड़ रहा हूँ बेरों को। ये देखें गंदम का साइज देखें, तकरीबन 3 फीट प्लस है गंदम का साइज, इसकी लंबाई। ये बाग है बेरों का, क्योंकि बेर के पेड़ में कांटे भी होते हैं। मैं असद रंधावा जट, रंधावा फ्रूट फार्म, क्योंकि असी पिंडा वाले जट। यह है बेरों का बाग, बहुत मीठे मीठे बेर। ये है मेरे रब की नेमतें। ये देखें पीली सरसों, ये मीठे मीठे बेर। ये बेर बड़े वाले बेर होते, क्योंकि छोटे बेर भी होते छोटे साइज के, मगर ये बड़े बेर हैं। रंधावा फ्रूट फार्म, तां ॾिसी सघोसि था काफ़ी इसकी ट्री बेर के बड़े हो चुके हैं, ऊपर हाथ भी नहीं पहुंचता और इसमें कांटे भी होते हैं। आज वेदर बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा प्यारा वेदर है। ये है रंधावा फ्रूट फार्म के खट्टे मीठे बेर। मैं असद रंधावा,
मैं रंधावा फ्रूट फार्म में घूम फिर रहा हूँ। क्योंकि जब आपने मेहनत की होती है तो उसका जब फ्रूट मिलता है, उसका जब फल मिलता है तो बड़ी खुशी होती है, बड़ा प्राउड फील होता है। क्योंकि ये बेर का बाग लगाने में बड़ी मेहनत की, बहुत जद्दोजहद की, अब इसने वधिया फ्रूट उठाया हुआ है। क्योंकि हम हैं रंधावास, सर्दियों का मौसम जो है वो ख़त्म होने को है। ये देखें, ये नज़र आपको छोटा आ रहा है मगर इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है इस बेर का। ये है देसी गंदम, देसी बेर, ये प्योर है सब। क्योंकि फार्मर के पास आपको प्योर चीज़ मिलेगी। आई सपोर्ट ऑल फार्मर्स, क्योंकि हम भी फार्मर हैं। ये देखें बेर, क्योंकि फार्मर अनाज उगाता है तभी ये शहरों और दूसरी जगहों पे सप्लाई होता है। आई लव एग्रीकल्चर, ये काफी घना बाग है। लो जी, ये वा बेरा दा बाग। देखे कितने शाइन कर रहे हैं ये बेर। मैं असद रंधावा, ये प्यारे प्यारे बच्चे जो इस बाग में खेल रहे हैं, तां ॾिसी सघो था। यह है बेरों का बाग। इसको तैयार करने में बड़ी मेहनत हुई, बहुत काम किया। क्योंकि हम किसान लोग हैं, हम फार्मर लोग हैं, तो हमारा सारा काम ज़राअत के साथ है, एग्रीकल्चर के साथ है। इस ज़मीन में, इस फार्म में तीन चार चीज़ें इकट्ठी लगी हुई हैं।
इसमें बेर, इसके अंदर गंदम, इसके अंदर सरसों, इसके अंदर बबूल, इसके अंदर खजूर, ये काफ़ी चीज़ें लगी हुई हैं। ये फार्म हाउस बनाया हुआ है, ये है रंधावा फार्म हाउस। गंदम की कटाई हो जाएगी, सरसों की कटाई हो जाएगी, बाकी ये सब चीज़ें इसी बाग में रहेंगी। तां ॾिसी सघो था जो लंबे लंबे दरख़्त हैं, ये इसलिए लगाए जाते हैं कि इससे ऑक्सीजन मिलती है। आई असद रंधावा, ये है रंधावा फ्रूट फार्म। आप देख सकते हैं ये लंबे जो दरख्त लगे हुए हैं, इनसे ऑक्सीजन भी मिलती है। ये छोटा सा दरख्त है देखिए, इसका बेर का, मगर इसमें भी इसने भी फ्रूट उठाया हुआ है। देखिए छोटा सा बिल्कुल है, कितना फ्रूट लगा है इसके अंदर, माशाल्लाह माल से भरा हुआ है। क्योंकि दरख्त लगाने चाहिए, इनसे ऑक्सीजन मिलती है हमें। ये देखें लाल बेर, ये भी देखें, इनका साइज काफ़ी बड़ा है मगर आपको बहुत छोटा नज़र आता है वीडियो में, तो इसका साइज का अच्छा साइज होता है। रंधावा फ्रूट फार्म, रंधावा बेर फार्म।